ક્લાસિક લેજેન્ડ જવા મોટરસાયકલ અમદાવાદમાં નવા શોરૂમ સાથે ગુજરાતમાં પ્રવેશ સાથે ફરી શરૂઆત કરી છે. અમદાવાદ ભારત ક્લાસિક લેજેન્ડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમદાવાદમાં તેની સૌપ્રથમ જાવા મોટરસાયકલ ડીલરશિપના લોન્ચિંગ સાથે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદના નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલ રિયા બાઇક્સ ખાતે યુવાઓની શાન ગણાતા બાઇકના શોરૂમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ બ્રાન્ડની વાત કરીએ તો જાવા 100થી વધુ ડીલરશિપ શરૂ કરવાના તેના લક્ષ્યાંક તરફ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને અમદાવાદના નવા આઉટલેટના લોન્ચિંગ સાથે ભારતમાં તેની કુલ ડીલરશિપની સંખ્યા 43 થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ ઉપરાંત બ્રાન્ડ રાજકોટ, સુરત અને વડોદરામાં પણ ડીલરશિપનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને જાવા મોટરસાયકલને રાજ્યમાં તેના બધા જ ચાહકોની નજીક લાવશે. અમદાવાદ ખાતે રુસ્તમજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી બોમન ઈરાની જાવાના નિષ્ણાંતો અને ગ્રાહકોની હાજરીમાં શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. જાવા મોટરસાયકલ ખૂબ જ લોકપ્રિયતા ધરાવે છે અને ગયા નવેમ્બરમાં જાવાને પુનઃ ભારતમાં લાવ્યા ત્યારે સંપૂર્ણ ઈરાની પરિવાર માટે આ ઐતિહાસિક ક્ષણ હતી. આ મોટરસાયકલ અત્યાધુનિક એન્જિન ટેકનોલોજી અને ફીચર્સ સાથે ક્લાસિક ડિઝાઇનને આધુનિક રૂપ આપતા શોરૂમના સમકાલીનતા જોવા મળે છે. વિવિધ ડિઝાઇન આધુનિક ક્લાસિક જાવા મોટરસાયકલને રજૂ કરે છે. જાવા અને જાવા 42 બ્રાન્ડની નવી ફ્લેગશિપ તરીકે આગળ આવી છે. જાવા અને જાવા 42ની કિંમત અનુક્રમે ₹1,65,000 અને ₹1,56,000 છે. ડ્યુઅલ ચેનલ ABS આવૃત્તિની કિંમત અનુક્રમે ₹1,73,942 અને ₹1,64,942 છે. શોરૂમના બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. और ये हमारा 45th डीलरशिप है इंडिया वाइड जो हमने जावा मोटरसाइकिल्स के लिए शुरुआत की है. मेरा नाम है बोमन ईरानी और मैं क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में को फाउंडर हूँ और वी आर द ओरिजिनल जावा फैमिली जिन्होंने पहली बार जावा को इंडिया में लाए थे. माई फादर एंड माई अंकल वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट जावा मोटरसाइकिल्स. पहले ये मोटरसाइकिल इम्पोर्ट होती थी फिर उसके बाद यहाँ पर बनती थी. हमने एक बुक भी रिलीज़ की है जिसका भी आप फोटो बाद में ले लीजिए जिसमें पूरी हिस्ट्री जावा मोटरसाइकिल्स की इंडिया की दी गई है. ये वो किताब है जिसमें स्टार्टिंग 1960s से जो शुरुआत हुई थी और आज तक क्या हुआ है इस मोटरसाइकिल के साथ या इस मोटरसाइकिल के चाहने वालों के साथ, इसकी सारी स्टोरी हमने बनाई है. सर, खास करके युवा में ये बहुत ही पसंदीदा बाइक रही थी, उसमें क्या खासियत इस बार ऐड की गई? एक जमाने में जावा मोटरसाइकिल जो थी वो सबकी पसंदीदा मोटरसाइकिल थी. वेदर आप गांव खेड़े में जाओ और खेडूत के पास देखो या तो फिर यहाँ के दूध सप्लायर के पास देखो, आपको याद होगा तो दूध के कैंस भी लगा के जावा पे चलते थे. यही नहीं, यंग ऑफिस गोइंग क्राउड या यंग कॉलेज गोइंग क्राउड थी, उनको भी जावा बहुत पसंदीदा थी. और जावा जो थी वो एकदम पेपी यंग मोटरसाइकिल के नाम से मानी जाती थी. आज भी मैंने देखा यहाँ पे करीबन 200 बाइक पड़ी थी जो पुरानी जावाज और गैजी थी और सब लोगों ने बड़े प्रेम से उसको मेंटेन किया था. मेरा ये मानना है कि जावा जो है आप एक बार चला लो तो एक तरह से आपकी रग में बैठ जाता है. आप उसको फिर एक तरह का उसको चलाने का जो प्यार या बढ़ता है उससे, आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों में अमिताभ बच्चन या शशि कपूर ने भी जावा मोटरसाइकिल्स चलाई थी और बस इससे पूरे इंडिया में उस ज़माने में ये छा गई थी. और आज की ये जो मोटरसाइकिल हमने बनाई है ये न्यू एज टेक्नोलॉजी से बनाई है और ये टोटली ग्राउंड अप नई डिज़ाइन है, लेकिन इस पे सारे क्लासिक लाइंस मेंटेन करते हुए हमने एक बड़ी उम्दा प्रोडक्ट बनाई है जिसको चलाने से आपको पता चलेगा कि जिसको बोलते हैं राइडिंग प्लेजर आपको जरूर आएगा. सर, खास करके गुजरात की बात की जाए तो ये अहमदाबाद के अलावा कितने शोरूम सीखे यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ ओपनिंग करने वाले हैं? आज की तारीख में ही आप देखिए अहमदाबाद में एक शोरूम इनॉग्रेट हो रहा है, फिर इसके बाद हम राजकोट में कर रहे हैं, उसके बाद बड़ौदा में कर रहे हैं, और सूरत कर रहे हैं, इसके बाद आनंद, पांच शोरूम ऑलमोस्ट अभी इमीडिएटली इनॉग्रेट हो रहे हैं. यही संजीव कुमार राजपूत नो रिपोर्ट अहमदाबाद.